हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी की तरफ से जो नोटिस आया है उसके बारे में, लीक के संबंधित क्वेश्चन लीक हुआ उससे संबंधित नोटिस है। ये आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है इसका विज्ञापन नंबर 3580 ये साइट पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो विज्ञापन निकला है, जो बिहार एसएससी प्रथम इंटर लेवल का एग्ज़ाम हुआ था 2014 में, फॉर्म भरा गया था इसका, 571 सेंटर पर हुआ था, जो 8, 9, 10 दो दो पारियों में हुआ था। तो इसका पेपर लीक हुआ था, ये सबको पता है कि पेपर और ओआर मार्कशीट वहाँ पर जमा किया जा रहा था, मगर क्वेश्चन क्या हुआ, लीक हो गया, क्वेश्चन बाहर आ गया था। तो बिहार चयन आयोग जो है, मतलब बिहार एसएससी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि अगर किसी को ये लगता है कि पेपर लीक हुआ है तो उसका जानकारी, उन्हें नाम पता सब कुछ पोस्ट करना पड़ेगा बिहार एसएससी चयन आयोग को। कब तक वो आपको करना पड़ेगा? 21/12/2018 तक, मतलब आप 11 बजे से 4 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, मगर 21 तारीख को 5 बजे के बाद अंतिम रूप से मान लिया जाएगा। अगर कोई भी लड़का सबूत नहीं भेजता है तो ये माना जाएगा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और अगर सबूत जाता है तो पेपर लीक माना जाएगा और आगे का प्रक्रिया होगा। तो अगर पेपर लीक हुआ है, किसी के पास कोई सबूत है, तो आप वहाँ पर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, जो वहाँ पर आपको एड्रेस दिया हुआ है बिहार एसएससी का वहाँ पर। तो देखिए, जहाँ तक बात है कि पेपर लीक होने का, तो पेपर बाहर आया कैसे? सबसे बड़ा तो लीक वही है, क्योंकि पेपर और ओआर मार्कशीट जमा था, जमा होने के बावजूद भी लोग वहाँ से बाहर आया है, फोटो खींच के सोशल मीडिया पर भी आ चुका है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ था कि पेपर लीक हुआ है। तो आप किसी के पास भी अगर कोई सबूत हो तो आप लोग स्पीड पोस्ट उसको कर दीजिए, स्पीड पोस्ट करिएगा बिहार एसएससी के पास, वो भी 21/12/2018 तक। और देखिए, अगला वीडियो में हम आपको, अगर पेपर लीक होने के बावजूद भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो कट ऑफ क्या हो सकता है, वो हम आपको बता देते हैं। कट ऑफ अगला वीडियो में आप लोग देख लीजिए, क्योंकि 110% कट ऑफ उससे नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए, बिहार ग्रेजुएशन का भी जब एग्ज़ाम लीक हुआ था, उसके बाद मतलब कि जब एग्ज़ाम हुआ दोबारा बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का, तो पहले 93 कट ऑफ जाता था, मगर दोबारा जब एग्ज़ाम हुआ था तो 126 नंबर के करीब में कट ऑफ गया था, 150 में से, मतलब 150 क्वेश्चन में से 126 क्वेश्चन जिसका सही था उसका जनरल में सिलेक्शन हुआ था। उसमें 3000 पोस्ट था, हालांकि इसमें ज़्यादा पोस्ट है, मगर उससे ज़्यादा कर्मचारी इसमें फॉर्म भी भरा गया है। बिहार ग्रेजुएशन में 5 लाख के करीब में, 6 लाख के करीब में फॉर्म गिरा था, इसमें 18 लाख के करीब में फॉर्म गिरा है। तो ये भी एक दूसरा कारण है, ठीक है। और होम सेंटर का है, इसलिए कि बिहार का एग्ज़ाम है, इसलिए बिहार के लोग जो भी होंगे वो एग्ज़ाम देने गए हैं। लगभग 50% लोग एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब कि लगभग 10 लाख के करीब में एग्ज़ाम पड़ा है, मतलब देने गए हैं, 9 से 10 लाख लोग एग्ज़ाम दिए हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान देते हुए, मतलब किसी के पास कोई सबूत हो तो आप बिहार एसएससी के पास स्पीड पोस्ट करिए, और कट ऑफ अगला देख लीजिए कि नया कट ऑफ क्या हो सकता है, उसके अनुसार ही सिलेक्शन होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।